मुसलमान अपनी बाल लोगों ने ये नौकरी संभाल ली इंटरनेट पे कि वो पूरा दिन वो वेबसाइट्स खोल के बंद करते रहते हैं ताकि उसके उतने क्लिक ऐड हो उसके वो डॉलर कमा रहे होते हैं। ये कमाई भी गलत है, ये घर है ना, धोखा दे रहे हैं आप। उतने लोगों ने विजिट तो नहीं किया, जिस कमाई में घर आ जाए धोखा वो भी हराम हो जाएगी। ऐड देखने की जो उजरत है ना ये सही नहीं है, इसलिए कि गूगल ये समझता है कि ये इतने ज्यादा लोगों को तक ये ऐड पहुंच चुका है और एक ही आदमी बैठ के उसको मुख्तलिफ आईडी से क्लिक कर रहा होता है, ये गूगल को धोखा देने वाली बात है, तो ये जायज नहीं है। अब जो है ना वो तीन आदिशें हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि जब लोगों को पता भी होता है कि ये काम सूदी है, इसके बावजूद लोग क्यों ये काम कर गुजरते हैं, परवाह नहीं करते। वो कहते हैं भाई फलां बंदा भी कर रहे हैं, फलां बंदा भी कर रहे हैं ना, फलां भी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें ये तीन आदिशें हैं, वो है मेरे भाई थोरत माल की हवस। मेरा लेक्चर आप सुन लें यूट्यूब के ऊपर, दौलत की हवस, ठीक है ना, उसके ऊपर मुकम्मल लेक्चर कर रहे हैं दौलत के हवाले से, नबी सल्लल्लाहु ने दौलत को कितना नापसंद किया और क्या क्या आपकी जिंदगी में कितने दौलत थी, यानी कि एक के अंदर तमाम कुरान और हदीस से मैंने दलाइल देकर वो एक सवा का निकला किला वो देख। पहली दिस मिशकात में किताब का चैप्टर है काबिन अयादी का आदमी है कि नबी सल्लल्लाहु फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना था, हर उम्मत में जितनी उम्मतें गुजर गई हर उम्मत में एक फितना होता था, फितना मीन आजमाइश, उसके जरिए उस उम्मत को समाया जाता था कि लोग इस फितने को देखकर अल्लाह की तरफ आते हैं या शैतान के पीछे जाते हैं। हर उम्मत में एक फितना था, मेरी उम्मत का फितना माल है, दौलत है, पैसा है, रुपया है। अब ये दौलत है आजमाइश, अब इस उम्मत ने देखना है कि इसको हलाल तरीके से कमाना है या सूद खाकर या हराम तरीके से इसको खाना है, ये आजमाइश है। दौलत, दौलत की वजह से लोग परवाह नहीं करते हैं, ये सूद दिया बगैर सूद दिया, जो पैसे आने चाहिए ना पैसे आ रहे हैं जी, ठीक है। दूसरी चीज भी मिश्कात में उम्मीद और हिर्स इसका चैप्टर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान के पास अगर दो वादियां दौलत की हो, पूरे दो इलाके अगर हो दो वादियां दौलत की हो, तो वो ख्वाहिश करेगा उसके पास तीसरी भी होनी चाहिए। इंसान की ये जो ख्वाहिश है ना दौलत हासिल करने की, ये सिर्फ कब्र की मट्टी ही पूरी करेगी, और अल्लाह तौबा करने वाला की तौबा कबूल फरमाता है, यानी कि जब तक ये कब्र में चला नहीं जाएगा इसकी दौलत हासिल करने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ये करता ही रहेगा। अगर दो आदमी होंगे तो ख्वाहिश करेगा या अल्लाह तीसरी दे दे, दो देती है अल्लाह तीसरी दे दे, वो परवाह नहीं करेगा, चाहे हराम है हलाल है, अरे मिटी जाएगा सब कुछ। देख लो लोग डबल शाहम चलिया है, लाख ही दो मिले और थोड़ा दो दो ही जमा कराता है, चार मिले चार भी कहते थोड़ा चार जमा कराता है वो आपके, फिर चल गया था शानदार सब कुछ लैक आईडी ऐप चली है आजकल, वो देख लो कि लाख जमा कराया उन दो लाख मिले और दो ही जमा कराता है, ये है कि दो वादियों को ख्वाहिश करेगा तीसरी भी मिल जाए, पेट नहीं भरेगा इसका, पेट तो कब्र की मट्टी भरेगा, और दो ही जमा कराता है कि चल चार हो गया जाएगा, फिर लाख चल गया, फिर सब कुछ चल गया, ऐप ही बंद हो गई। तो इंसान के पास दो वादियों हो ख्वाहिश करेगा तीसरी होनी चाहिए, इसकी ये ख्वाहिश है मार तो करने की, ये कब्र की मट्टी भरेगी, मर जाएगा तो फिर वो। आखिरी हदीस बहुत अहम हदीस है, इसको मैंने बिल्कुल लास्ट पे रखा हुआ, बुखारी में किताब अल मुगादिस का चैप्टर है, उकबा बिन आमर इसके रावी हैं, वो बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जंगी ओहद के जो शहादा ओहद थे 8 साल बाद उनके ऊपर नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया और हमें खुतबा दिया, कहा कि मुझे अपने बाद तुम में शिर्क का खदशा नहीं, यानी जो तालीमात मैंने आपको दे रहा हूँ मेरा जितना जितना मगर तुमने उतारा है, मुझे अपने बाद तुम्हारे अंतर्गत शिर्क का खदशा नहीं, मगर यह है कि तुम दुनिया में एक दूसरे से आगे निकल जाने में लग जाओगे, शिर्क तो से बच जाओगे लेकिन दुनिया से एक दूसरे से आगे निकलने में लग जाओगे। आज यही वही कर रहे हैं, प्राण को एक उठिए मुझे दो नहीं चाहिए, फलाने को तो हार दिया को दो होना चाहिए एक दूसरे दो के, और शोहदा ओहद पे क्यों आपने यानी कि अपना खुतबाई था, क्योंकि जंगी ओहद और जंग थी जड़ी मुसलमान फतह हो कीती हुई जंग ही मुसलमान हार गए, किस तरह हारे कि नबी सलाम ने दरे उदे जो सहाबा कर दिते हैं और सहाबा नु पक्का पाबंद किया है कि साढ़े ना जो मर्जी थे वीर जेडे कि तुसीं दरा नहीं छड़ना, लेकिन जंग का जंग हुई जंग का थोड़ा माहौल यानी कि जो गर्म होया तो
ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਇਜਤਹਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਂਤ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਬਾ ਇਜਤਹਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਹਬਾ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਤਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਛੱਡਿਆ ਇਜਤਹਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਦੇ ਦਾਂਤ ਮਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆਪ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਬੀ ਸਤਰਾਮ ਇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸ਼ੁਹਦ ਉਹਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਜੰਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਬੀ ਸਤਰਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਤਹਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮਰ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਾਂ ਇਤਹਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨਬੀ ਸਤਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋੜਾ ਦਾਂਦਰ ਕਰਨੇ ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਚ ਬਦਲ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਸਤ ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਜੰਗੀ ਉਹਦ ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਹਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੂਦ ਬਗੈਰ ਸੂਦ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਕੇ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੇ ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕ ਬਾਤ ਮੈਨੇ ਕਹੀ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਰਾਸ ਫਰਮਾਏ ਜਦ ਬਾਤ ਮੈਂ ਆਕਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਰਫਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੌਬੀ ਹਮਦੀ ਕਸ਼ਦੁਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਅੰਦਾ ਅਸਤਗਫਰੁ ਵਤੂਬ ਅਲੈਕੁਮ ਅਲੀਨਾ ਇਦਰ ਬਲਾਗ